नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर आई है और खबर ये है कि RGPB की एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ही ऑनलाइन होने वाले हैं। तो बिल्कुल ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है RGPB के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कि अब इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सभी कोरोना के कारण वो सभी एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होंगे। तो ये चीज़ आपके बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, अब इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में आकर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी है और आपको इस बात में बिल्कुल सोचने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन ही होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा बयान दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या कहा गया है और कितने स्टूडेंट उसमें अपीयर होंगे और कैसे कैसे किस स्टूडेंट को अपीयर किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक नई दुनिया की न्यूज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि घर बैठे ऑनलाइन होगी तकनीकी संस्थानों में परीक्षाएँ। ये बिल्कुल आज की न्यूज़ है। तो यहाँ पर साफ हो चुका है बिल्कुल कि आपकी जो इस बार परीक्षाएं होने वाली हैं वो सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी टेक्निकल के लिए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ RGPB यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर दिया गया, लेकिन ये बयान है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हो, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कमज़ोर पड़ने के बाद 1 जून से तकनीकी विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में तैयारी तेज कर दी है और साथ ही 1 से 30 जून के बीच परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रथम से अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को शामिल होना है। तो अगर मान लीजिए कि वो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का हो या कि आपका आखिरी सेमेस्टर का हो, यानी कि पहला या कि 8वें सेमेस्टर का हो, सभी की परीक्षाएँ ऑनलाइन होंगी और 1 से 30 जून के बीच ये सभी परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा और ये सभी परीक्षाएँ 1 से 30 जून के बीच में ही होंगी और 30 जून के बाद आपके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहां पर क्या कुछ कहा गया है आप देख लीजिए, इसके पूर्व 15 से 30 मई के लिए आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने बीटेक, बी फार्मा और पॉलिटेक्निक के अलावा एमटेक, एम फार्मा प्रथम से अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक पंकज गोयल ने बताया कि 1 से 10 जून तक अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जाएंगे, वहीं 11 से 30 जून तक बाकी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। तो ऑनलाइन परीक्षा में किसी भी तरह की कोई खामी ना हो, इसके लिए विश्वविद्यालय पहले मॉक टेस्ट आयोजित कर रहा है। यदि मॉक टेस्ट का परिणाम सकारात्मक मिल जाता है तभी ऑनलाइन परीक्षाएँ जून में आयोजित की जाएंगी। तो इस बात बिल्कुल देखिए ये क्लियर हो चुका है कि 15 से 30 मई के लिए आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा और बीटेक, बी फार्मा और पॉलीटेक्निक के अलावा एमटेक, एम फार्मा प्रथम से अंतिम सेमेस्टर विद्यार्थियों का ऑनलाइन ही परीक्षा आयोजित की जाएंगी। तो ये बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो ऑफलाइन मोड में होंगी, सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, घर बैठे देना होगा परीक्षा। इंजीनियरिंग विद्यार्थी घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर या कि लैपटॉप पर ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। परीक्षा के पश्चात ही विद्यार्थियों के नतीजे भी दिखाई देंगे। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से 30 जून से नतीजे जारी होना शुरू हो जाएंगे और जबलपुर जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज में 30,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। तो 30 जून के बाद आपके नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये इस वक्त की देखिए बहुत बड़ी खबर है कि ऑनलाइन ही आप परीक्षा देंगे घर बैठे, इस बात की बिल्कुल अब संशय इस बात में नहीं है कि आपके परीक्षा ऑनलाइन होंगी या कि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा। जनरल प्रमोशन आपकी परीक्षाएँ होंगी तो ऑनलाइन बेस्ड में होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।